हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन पढ़ा था, राष्ट्र को सलामी। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है, साथ में इसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी देख लिए हैं और उनको अच्छे से समझ भी लिया है। आज के वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज बची हुई एक्सरसाइज है, जो वर्ड पावर है और इसकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन इसका है, उसको हम देखेंगे। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने सभी रिलेटिव्स, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम वी हैव टू स्टे एट होम एंड वी हैव टू स्टडी एट होम। हमें घर पर ही रहना है और घर पर ही पढ़ाई करनी है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो हम देखते हैं वर्ड पावर में। ए वाला है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ आपको अपने खुद के सेंटेंसेस में करना है। जैसे ट्रेचरस होता है, ट्रेचरस का अर्थ होता है धोखेबाज। मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति है, तो उसके बारे में हम यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हमने, मोहन इज ए ट्रेचरस पर्सन, कि मोहन एक धोखेबाज व्यक्ति है। अगला है जोवियल मूड। जोवियल मूड का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त या बहुत ही आनंददायक मुद्रा। तो इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं कि वी सिंग आवर नेशनल एंथम इन अ जोवियल मूड। हम हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो बहुत ही जोवियल मूड में गाते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय गान है उस समय हमारा जो मूड होता है वो बहुत ही प्रसन्नदायक होता है। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का अर्थ होता है हिचकिचाना। जैसे ए चीट पर्सन इज ऑलवेज रिलक्टेंट। एक जो चीट पर्सन होता है वो हमेशा हिचकिचाता है, उसके बात करने में उसके लहजे से समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ चीट करता है। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का अर्थ होता है गले लगाना। जैसे हम लिख सकते हैं, अभी लेसन में से हम यूज कर सकते हैं, भगत सिंह एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर मदरलैंड, यानी भगत सिंह ने मातृभूमि के लिए मृत्यु को गले लगा लिया। फ्लॉक का अर्थ होता है भीड़ या झुंड, तो इसके लिए लिखते हैं पीपल आर ऑलवेज स्टैंड देयर इन ए फ्लॉक, कि लोग अक्सर वहाँ पर झुंड बनाकर खड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि हमने ये कुछ वर्ड्स दिए थे, इनको अपने सेंटेंसेस में उनका यूज़ किया, इस प्रकार से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यदि हमको इनके मीनिंग आते हैं, तो मीनिंग के लिए मैंने आपको जो है मीनिंग वाले ग्लोसरी में पहले ही उनके मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे उनके अर्थ बता दिए हैं। बी वाले में देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये हमने क्या किया था, एक शब्द के लिए पूरा सेंटेंस लिखा था, यहाँ पे पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे ए रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन ए प्रिजन और पुलिस स्टेशन, एक कमरा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, एक से अधिक कैदियों के लिए कहाँ पे, या तो जेल में या फिर पुलिस स्टेशन में, उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल यानी कि कालकोठरी। द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी स्पेशली एज ए लीगल पनिशमेंट, किसी को वैधानिक तरीके से यानी कानूनी तौर पे मृत्यु की सजा दी जाए, उसको मारा जाता है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट यानी कि मृत्युदंड या फांसी। ए पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है, क्योंकि उसके उसने क्या किया था, उसके धार्मिक या राजनीतिक विश्वास अलग थे, यानी कि इस क्रांतिकारी जो पहले क्या होता था ब्रिटिश के शासन में, कुछ लोग जो उनका विरोध करते थे, विद्रोह करते थे, उनको नाम दिया गया है मार्टियर, मार्टियर।
चौथा है वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेंबर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस एडवर्टाइजर्स ईटीसी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। एक ऐसा कोई शब्द या फिर ऐसी कोई लाइन जो अधिकतर आसानी से याद रह जाती है और अधिकांशतः राजनीतिज्ञों द्वारा और जो एडवर्टाइजर्स के लिए यानी जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है लोगों को आकर्षित करने के लिए, उसे कहते हैं नारा या इंग्लिश में स्लोगन। आगे बढ़ते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा सी वाला, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, जो लेसन क्वेश्चन सी वाला है इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक आंसर है उसको टिक करना है या फिर लिखना है। राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू, राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया था, क्यों मना कर दिया था। फर्स्ट है गो टू द गैलोज, फांसी पे जाने से मना कर दिया था। गेट देयर फेसेस कवर्ड, उनके चेहरों को ढकने से मना कर दिया था। थर्ड है बी हैंग्ड, लटकने से मना कर दिया था। चौथा है टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स, अपनी काल कोठरियों में से बाहर निकलने से मना कर दिया था। जैसा आपने लेसन पढ़ा है उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपने चेहरों को नहीं ढकेंगे, किसी प्रकार का नकाब नहीं पहनेंगे, तो सेकंड वाला इसका आंसर है। दूसरा देखते हैं, भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट, भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को कहा था अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, लकी या अनलकी। भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को कहा था कि यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी, है ना। भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को कहा था कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम देख रहे हो कि क्रांतिकारी किस प्रकार मृत्यु को गले लगाते हैं। थर्ड वाले में देखिए, द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडी ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ द रिवर, जो अंग्रेज थे वो उन क्रांतिकारियों के मृत शरीरों को कहाँ पर ले गए थे, किस नदी पर ले गए थे, सतलज। बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकेम ए सिम्बॉल ऑफ, भगत सिंह मातृभूमि पर अपने प्राण निछावर करने के लिए किस चीज़ का प्रतीक बन गए थे, प्रोग्रेस, लव, पेट्रियोटिज्म या काइंडनेस। तो पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। चलिए आखिरी में आता है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस के दो सेंटेंस दिए हैं। भगत सिंह वाज रीडिंग ए बुक, भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे। द क्राउड वाज बिकमिंग अनकंट्रोल्ड, और जो भीड़ थी वह अनियंत्रित हो रही थी। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में उसने बताया है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में टू फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर यदि हमारी नाउन होती है तो वाज लगाते हैं हमारे सब्जेक्ट के लिए, और यदि प्लूरल होती है तो वेयर लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपको क्या है, यहाँ पर एक वर्ब दी है, आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वाज लगा के इस वर्ब में आईएनजी लगा के सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे द रेवोल्यूशनरीज, यानी कि ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर लगाएंगे। सिंग एक वर्ब है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो सिंगिंग हो जाएगा। द रेवोल्यूशनरीज वेयर सिंगिंग ए पेट्रियोटिक सॉन्ग। द क्राउड, क्राउड क्या है, क्राउड एक अनकाउंटेबल वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यह हमेशा सिंगुलर में रहता है। तो द क्राउड वाज, आपके पास वर्ब है राइज, इसमें हम लगाएंगे आई एन जी। तो द क्राउड वाज राइजिंग लाउड स्लोगन्स। भगत सिंह एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हमें पर वाज लगाएंगे। स्टैंड में हमने क्या लगाया, आई एन जी लगाया, स्टैंडिंग हो गया। तो भगत सिंह वाज स्टैंडिंग बिटवीन राजगुरु एंड सुखदेव। सरदार किशन सिंह, यहाँ पर हमें सरदार किशन सिंह सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज लगाया। डिलीवर में हमें लगाना आई एन जी, डिलीवरिंग हिज स्पीच। द पीपल, पीपल यानी होता है एक प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, पीपल यानी बहुत सारे लोग, तो ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया वेयर। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाया। मूव में हमने लगा दी आई एन जी। ओके, ये हमारे पाँचों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको लेसन और ये जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगले वीडियो में हम लेसन 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।